हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आज कुछ खास सीखने वाले हैं। जैसा कि हर रोज खास से खाता हूं, आज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में भी कुछ ऐसा खास है। क्या खास है? नेम रेंज की बात करेंगे। यहां पर देख सकते हैं ये नेम रेंज है, यानी इसे नेम बॉक्स बोलते हैं और यहां से हम नेम रेंज डिसाइड कर सकते हैं। अब ये फॉर्मूला बार है, फॉर्मूला बार नेम बॉक्स के ठीक राइट में होता है और नेम बॉक्स फॉर्मूला बार के ठीक लेफ्ट में होता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यूज वगैरह में और कभी कभी एग्जाम्स में भी आ जाता है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। अब देखिए, अब नेम रेंज हम कैसे इसको करेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले तो क्या करता हूं, इस पूरे डेटा को सेलेक्ट कर लेता हूं। सेलेक्ट कर लिया, अब हमको कहां जाना है, फॉर्मूला बार पे जाना है और यहां से डिफाइन नेम आ रहा है तो यहां पर एरो पर क्लिक कर दीजिए और नेम डिफाइन कर दीजिए। नेम ऑफ स्टूडेंट आ रहा है, यहां पर मैं कर देता हूं डेटा, मैं इसे एक नाम दे देता हूं डेटा, और जब भी मैं इसका यूज करना चाहूंगा तो इसी नेम से मुझे इसको एक्सेस करना होगा, ठीक है। और यहां पर सेल एड्रेस आ गया है अपने आप, ये सारा कुछ सिलेक्शन में लेकर के और सेल एड्रेस वगैरह सब नीचे आ ही चुका है, देख ही रहे हैं आप। और हम इस वर्कबुक के लिए यूज करेंगे, तो ये हो गया हमारा काम। अब इसको हमने एक नेम रेंज दे दिया, क्या नाम दिया, डेटा नाम दिया, ठीक है। अब हम कोई भी फॉर्मूला यूज करते हैं, लाइक मान लीजिए वीलुकअप ही यूज कर लेते हैं, तो यहां पर वी लुकअप लगाते हैं, ये लगाया वी लुकअप, ठीक है। अब ये करा लुकअप वैल्यू, किसको लुकअप करना चाहते हैं, तो मान लीजिए राजू को लुकअप करना चाहते हैं, इन्हीं का नंबर हमको देखना है, कॉमा देंगे, पूरा डेटा सिलेक्शन में लीजिए, ठीक है। अब पूरा डेटा सिलेक्शन में लेने के बजाय हम यहाँ पे डाटा नहीं लिख सकते हैं, यहाँ पे डाटा लिख देंगे तो भी तो जाएगा, देखिए डाटा आ रहा है ना, तो ये डाटा हमने ले लिया, कॉमा देंगे। अब देखिए हमको देखना क्या है, हमको टोटल मार्क्स देखना है तो काउंट करना होगा। आप देखिए बड़ा अगर रेंज है, आप देखिए यहाँ पांच सात नाम है, अगर बड़ी रेंज होगी तो आप मैच का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। मैंने पिछले वीडियोस में सिखाया है कि मैच का फॉर्मूला यूज करके कैसे आप रो और कॉलम फेच करवा सकते हैं किसी बड़े अगर डेटा की बात करें तो। तो अभी हमको क्या करना है, यहाँ पे हमने सेल रेंज तो सेलेक्ट ही कर लिया है, अब हमको क्या करना है, यहाँ पे कॉलम नंबर पता करना है। तो यहां से काउंट करिए, नेम ऑफ स्टूडेंट पहला कॉलम, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां। तो यहाँ पे आपको केवल लिखना है सेवन, कॉमा देना है, जीरो देना है, बंद करना है इसको, एंटरप्रेस करना है। तो यहाँ पे देखिए आप राजू का जो नंबर है वो 294 नंबर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको मैं एक अलग कलर से हाईलाइट भी कर देता हूं ताकि आपको देख पाने में सुविधा होगी, आसानी होगी। तो ये देखिए, ये एक अलग कलर से मैंने हाईलाइट कर दिया, तो राजू का 294 नंबर दिख रहा है। इसी तरह से किसी और का आपको पता करना हो, जैसे मान लीजिए बी लुकअप लगाया हमने, ठीक है, और फिर मान लीजिए इस बार हमें पता करना है उमेश का, ठीक है, तो कॉमा देंगे और इस बार भी हमें क्या लिखना है, डेटा लिखना है। तो ऊपर देखिए डेटा दिख रहा है, हमने नेम रेंज दिया ही है, कॉमा देंगे और फिर अब क्या करना है, अब डेटा यानी पूरा रेंज आपने सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है, और रेंज सेलेक्ट करने के बाद आपको कॉलम इंडेक्स नंबर की जरूरत पड़ेगी, तो इनका टोटल देखना है, तो टोटल कौन से कॉलम है, 1 2 3 4 5 6 7, तो आपको 7 लिखना है सिंपली, कॉमा देना है, जीरो देना है, बंद करना है और एंटरप्रेस करना है। तो 336 नंबर है कि नहीं उमेश का, देखिए इसको मैं एक अलग कलर से हाईलाइट कर देता हूं, देखिए ये उमेश है ये, ठीक है, इसको एक अलग कलर मैं प्रोवाइड करता हूं ताकि आपको देखने में आसानी हो। देखिए अब ये उमेश है, तो यहां 336 नंबर आया है कि नहीं। तो ये फायदा होता है अगर आप नेम रेंज सेलेक्ट करके उसे एक पर्टिकुलर नाम दे देंगे तो आपको पूरा बड़ा एकदम से नहीं करना पड़ेगा। अगर नेम रेंज नहीं बनाया होता तो पूरा रेंज सेलेक्ट करिए, फिर फ्रीज करिए, फिर दुनिया भर की दिक्कत होती, और नेम रेंज बना लिया तो ये आपको आसानी हो जाएगी, ठीक है, बड़ा चीज जो है छोटे में आपका आसानी से आ जाएगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।